गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं एमएस सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC6 जिसका नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इस पेपर से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारे अध्ययन का विषय है पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण संरक्षण क्या है और भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्या कार्य किए जा रहे हैं, इससे संबंध में हम आज आपके सामने अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करेंगे। भारत में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संतुलन के लिए आदिकाल से ही प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल प्रकृति एवं उसके समस्त जीव जंतुओं में संबंध होते हैं, लेकिन यदि प्रकृति के किसी भी पहलू का अत्यधिक दोहन अथवा उपभोग किया जाए तो इससे जहां एक और जैव विविधता में क्षति पहुंचती है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी कारण भारत में जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को धर्म से जोड़कर उनकी पूजा एवं संरक्षण करते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सबसे पहले हम सार्वजनिक भागीदारी को देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार अकेले कार्य नहीं कर सकती। पर्यावरण की स्वच्छता एवं संरक्षण के लिए जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। जन भागीदारी द्वारा पर्यावरण जागरूकता आम लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। यदि सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों में जन समर्थन भी व्यापक रूप से मिल जाए तो पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करने में आसानी होगी। जन भागीदारी द्वारा लोग पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकते हैं और सरकार पर उचित कदम उठाने के लिए दबाव बना सकते हैं। भारत में काफी पहले से ही पर्यावरण पौधों एवं जीवों को बचाने के लिए आंदोलन होते रहे हैं। वृक्षों को बचाने के लिए जिस तरह विश्नोई समुदाय ने आंदोलन किया और अपने प्राण देकर इस आंदोलन को सफल बनाया, उससे वृक्षों की कटाई पर राजा अजीत सिंह की रोक लगाई नहीं पड़ी। पश्चिमी घाट में शांत घाटी परियोजना पर्यावरण कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन एवं जनप्रतिनिधियों के दबाव के कारण समाप्त करनी पड़ी थी। वर्षा वनों वाला यह क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह विश्व में प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से एक है। इसी क्रम में जाने माने कार्यकर्ता MC मेहता
ने केंद्र सरकार के विरुद्ध याचिका दायर की। यह याचिका ताजमहल को मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाले प्रदूषकों से बचाने के लिए थी। इससे प्रत्येक नागरिकों में शुद्ध हवा, जल एवं भूमि अधिकार के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई। इस एक मामले के फैसले की वजह से अन्य जनहित याचिकाओं के लिए दरवाजे खुल गए और न्यायालय ने उन पर अपना निर्णय भी दिया, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यधिक सहायक माने जाते हैं। जनता की जागरूकता, सरकार एवं स्थानीय लोगों के बीच धनात्मक एवं फलदायक सहयोग को भी बढ़ावा देती है। अब हम सार्वजनिक भागीदारी के पश्चात कॉरपोरेट पर्यावरणीय नैतिकता पर प्रकाश डालेंगे। व्यवसाय प्रबंधन में नैतिकता अत्यंत आवश्यक है। पिछली सदी में हमने देखा कि किस प्रकार व्यक्तिगत एवं सामूहिक या राष्ट्रगत लाभ के लिए पर्यावरणीय संसाधनों का दोहन किया गया। आज कॉर्पोरेट जगत की बड़ी मूलभूत जिम्मेदारी पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि उद्योगों द्वारा अत्यधिक मात्रा में प्रदूषकों या अपशिष्टों, जो कारखानों से निकलने वाले पदार्थ को प्रदूषक या अपशिष्ट भी कहते हैं, इन अपशिष्टों का उत्पादन किया जाता है। औद्योगिक घराने अब कार्यक्षम, हरी एवं स्वच्छ तकनीकों का उपयोग में लाने में काफी रुचि दिखाने लगे हैं। अब औद्योगिक खरानों प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों एवं शहरों में बागीचों को लगाने एवं उनके विकास के लिए भी किए जाने वाले कार्यों की अपनी निगरानी में लिए हुए हैं। ये घराने आजकल बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेजों में पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। इसके अलावे ये घराने वृहद स्तर पर पौधरोपण के द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करने का भी प्रयास करते हैं। अब कॉर्पोरेट घरानों के योगदानों के पश्चात हम सरकारी स्तर पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण की अवलोकन करेंगे। पर्यावरणीय शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण मानव और पर्यावरण के संबंध में सभी स्तरों पर लोगों की जानकारी को बढ़ाने और पर्यावरण में सुधार तथा सुरक्षा की क्षमता, कौशल आदि के विकास हेतु मंत्रालय की प्रमुख स्कीम है, जिसके बुनियादी उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, समाज के सभी वर्गों में पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देना। दूसरा, समाज के विभिन्न वर्गों विशेषकर गैर औपचारिक प्रणाली में
पर्यावरणीय शिक्षा का प्रसार, तीसरा औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री और सहायक सामग्री को सुगम बनाना, चौथा मौजूदा शिक्षण वैज्ञानिक शोध संस्थानों के जरिए पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देना, पांचवा पर्यावरणीय शिक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण हेतु जनशक्ति विकास सुनिश्चित करना, सभी स्तरों पर लोगों में पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए गैर सरकारी संगठनों, संचार मीडिया तथा अन्य संबंधित संगठनों को बढ़ावा देना आदि है। इस दिशा में सरकार द्वारा पर्यावरण जागरूकता अभियान, जिसे हम इंग्लिश में NEAC कहते हैं, सेमिनार्स, संगोष्ठियां, सम्मेलन, प्रकृति शिविर कार्यक्रम आदि संचालित करती है। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्यों के लिए फेलोशिप एवं पुरस्कारों की भी व्यवस्था की गई है। निष्कर्ष पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि पर्यावरण संरक्षण एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या मानी जाती है। दरअसल प्रकृति का गलत तरीके से अत्यधिक दोहन के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। इस कारण इसमें जनसाधारण, सरकार, कॉरपोरेट घराने, जिसे हम औद्योगिक घराने भी कहेंगे, सभी को अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करना आवश्यक है। इसी क्रम में न्यायालय भी अपनी सक्रियता दर्शाते हैं। अभी हाल ही में न्यायालय द्वारा BS4 मानकों वाले वाहनों की अनिवार्यता इसे सिद्ध करती है। इस तरह स्पष्ट है कि हमें पर्यावरण संरक्षण को एक संकल्प की तरह स्वीकार करके इसे सभी लोगों के साथ मिलकर प्रयास करने चाहिए। भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु वन संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग, वैकल्पिक ऊर्जा, नवीनीकरणीय स्रोत का प्रयोग तथा संसाधनों का समावेशीय प्रयोग को बल दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी इस दिशा में और भी ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है, तभी जाकर पर्यावरण के संरक्षण को लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। पर्यावरण मनुष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसके बिना मनुष्य के अस्तित्व संकट में आ सकता है। इसलिए मानव की अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए पर्यावरण का संरक्षण नितांत आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी आज की क्लास को यहाँ विराम देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पर्यावरण संरक्षण एवं इससे संबंधित कार्यों के विषय में जानकारियां दी हैं। आप इसे ध्यान से पढ़ें और नोट भी कर लें। यदि आपको इसको समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव होता है
तो आप हमें हमारे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। हम यथाशीघ्र आपको आपके कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, पढ़ते रहें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ हम आज आपसे अलविदा चाहेंगे। धन्यवाद।